उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में खेत पर सिंचाई करने गए किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला, जिसको देख परिजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। आपको बता दें कि दरअसल मामला अमरोहा जनपद के थाना सैदन गली इलाके के गांव बहापुर का है, जहां 45 वर्ष किसान इंद्रपाल अपने खेत पर सिंचाई करने गया था, जिसका शव सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के किनारे पड़ा मिला, जिसे देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक इंद्रपाल के परिजन उसकी हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्राप्त घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक इंद्रपाल अपने मटर के खेत पर पानी देने गया था। रात 9 बजे तक उसका लड़का भी उसके साथ था, जो बाद में घर चला गया था। सुबह जब मृतक के परिजन खेत पर पहुंचे तो उन्हें इंद्रपाल का शव पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्टर काविंदर सिंह, प्राइम न्यूज 24, अमरोहा। ये मामला, ये रात पानी देने आए थे, मैं इनके साथ आया था, 9 बजे मैं ऐसे इन्होंने भेज दिया हूँ। फिर उसके बाद सुबह आके देखा है तो इनकी टांगों में भी चोट है, इन्हें मारा गया है, कनपट्टी पे भी चोट है इनकी। किन लोगों ने मारा, किस पे शक जा रहा है? नहीं शक, अब ऐसे क्या पता किसने मारा है इनको, किसी से कोई पुरानी रंजिश हो? नहीं ऐसे तो इनकी हो तो हो, नहीं हमारी तो कोई रंजिश नहीं है। रात ये 8 बजे आ गए थे, 9 बजे मैं इनके पास से घर को गया हूँ, इन्होंने भेज दिया कि तू जा, मैं पानी फेर के मैं आ जाऊँगा। इन्हें सुबह में देखा है, और देखा है जब होंसे पंप लाइन भी खुली मिली है, समर सेविल पे से बंद मिला है, क्योंकि ये मारने की घटना है, मारा गया है इन्हें, नहीं तो समर सेविल पे से पंप लाइन नहीं खुलने का कोई मतलब ही ना था। तो किसी पे शक है? नहीं अभी किसी पे शक नहीं। बॉडी मिली, इसके विषय में बताएं क्या? ये सैद नगली थाना क्षेत्र में बापुर गांव है, यहाँ एक व्यक्ति अपने मटर के खेत में पानी दे रहा था। 9 बजे रात तक उसका लड़का भी साथ में था, इसके बाद वो भी उसके घर चला गया अपने। सुबह जब उसके घर वाले यहाँ खेत पर आए तो वो पेट के बल वहाँ गिरा पड़ा था। सौ का पंचायतनामा करके PM के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम के पश्चात विधिक कार्रवाई की जाएगी। तिरथुम डिस्ट्रिक्ट क्या लग रहा है सर? अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। थैंक यू।